हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक और ठंडा डंडा कूल कूल रेसिपी पुदीना कूल है, जो कि है 100% नेचुरल, जिसमें हमने कोई भी सोडा, मिरिंडा या फिर स्प्राइट बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है। और हमने इसे बनाया है गुड़ में, यानी कि जागरी में। तो और भी ज़्यादा ये है न्यूट्रिशन से भरा और हेल्दी हेल्दी। तो आइए ठंडा डंडा कूल कूल पुदीना कूलर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 चम्मच गुड़ का पाउडर लिया है, जिसे मैंने क्रश कर लिया गुड़ को। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच से और इसे ढक के थोड़ी देर रख दूँगी। जब तक गुड़ डिज़ोल्व हो रहा है, मैं यहाँ पे ब्लेंडर जार में लगभग 1 मुट्ठी के करीब आधा छोटा कप मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है और आधा छोटा कप फ्रेश धनिया लिया है और 4 छोटी इलायची डाली है मैंने इसमें, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है सौफ और 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर और 1/4 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है और 1/2 नींबू मैंने इसमें निचोड़ के डाला है। ये काफ़ी बड़ी साइज़ का नींबू है, अगर आपके पास छोटी साइज़ का नींबू है तो आप 1 पूरा नींबू डाल दीजिए। अब इस मिक्सचर का जो है हम फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस फाइन से पेस्ट को हम डालेंगे इस गुड़ वाले पानी में, जो कि हमने बिगनिंग में भिगा के रखा था गुड़ पानी में। तो देखिए, बिना चीनी के ठंडा ठंडा कूल कूल पुदीना कूलर बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है और बहुत ही कूलिंग प्रॉपर्टी का भी होता है। पुदीना जो कि बहुत ही ठंडक प्रदान करता है शरीर को और गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो अब इस पुदीना कूलर को जो है मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया, मैंने छान लिया। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी पी सकते हैं, बट क्योंकि हमने इसमें इलायची सौंफ वगैरह यूज़ की है तो वो क्रश होके थोड़ा सा दरदरा सा हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिए, दोनों ग्लास में मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और अब इसमें हम सर्व करेंगे हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल पुदीना कूलर। बहुत ही कूलिंग प्रॉपर्टी का और बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हेल्दी होता है। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस समर में ये पुदीना कूलर। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी हमने केमिकल सोडा वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो नेचुरली ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब इसके ऊपर थोड़े से मैंने लेमन के स्लाइस, जो कि मैंने कट करके रखे थे, वो डेकोरेट करके कुछ पुदीने के पत्ते मैंने ऊपर से डाल दिए। तो पीजिए ये पुदीना कूलर और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।